हेलो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज भाई हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे जो कि है नाइटाई एलईडीज। ये प्रोडक्ट मुझे भेजा है HNA ऑटो जोन ने। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है आप उन्हें जाके इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और आपको कोई भी कार एक्सेसरी रिक्वायरमेंट होगी आप उन्हें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, हमें हमेशा हेडलाइट जो कंपनी से हेडलाइट आती है वो दोस्तों उसकी इतनी पावर नहीं होती, वोल्टेज इतना नहीं होता, उतनी ब्राइटनेस हमें नहीं मिल पाती। इवन जो अभी बेस मॉडल या मिडल एंड मॉडल आ रहे हैं उनमें नॉर्मल H4 या H4 हेडलाइट्स ही आते हैं, ठीक है। तो उनकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम जो है LEDs लगवाते हैं। अभी दोस्तों ये है नाइटा LED। इसकी एक दो खासियत है। एक तो ये है प्लग एंड प्ले, मतलब डायरेक्टली जो आपके H4 या H7 बल्ब, H4 का मॉडल है, H7 का मॉडल भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो आपके अगर गाड़ी में H4 सॉकेट है, कोई भी कार बाइक स्कूटर में जो ये फिट हो जाता है, और प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन है। दूसरी बात, ब्राइटनेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये रहा प्रोडक्ट, इसके अंदर आपको ग्लव्स मिलेंगे, ग्रेट। और मैं आपको अभी इसकी जो क्वालिटी है दिखा दूँ, तो ये रहा नाइटाई बल्ब, आपको ब्रांडिंग दिखा दूँ। नाइटाई बल्ब जो है ये इसकी H4 सॉकेट, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले। भाई कुछ आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दो का पैर मिलेगा, ये दो मिल जाएंगे आपको। और ये जो ये फ़ैन है टू कीप द LED कूल। अभी दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग फॉर अ सिंगल बल्ब होगी ₹1500, और अगर आप ये जो दोनों लेना चाहो तो प्राइस होगी ₹2400 फॉर अ पैर। सिंगल ₹1500, पैर की कॉस्ट होगी ₹2400। अभी आप बोलोगे सर ये तो आप महंगा बता रहे हो, ऑनलाइन मुझे तो 1200 में मिल रहा है। देखो भाई, इस प्रोडक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेसी चल रही है। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट लोगे ना ही उसकी उतनी लाइफ होगी, ना ही आपको वारंटी मिलेगी, और खतरा होता है क्वालिटी का, और कुछ भी उसके साथ हो सकता है। ये प्रोडक्ट जो है 100% सेफ है, और इसकी एक एडवांटेज है, ये पढ़ रहे हो, 3 ईयर्स की आपको वारंटी जो है इसके साथ मिल जाती है। रिप्लेसमेंट वारंटी, हाँ दोस्तों 3 साल की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। आप अगर HNA ऑटो जोन से ख़रीदते हो, कोई आपको इश्यू आया उन्हें जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसलिए जो है आपको ये नाइटा लेना है, ऑनलाइन अवॉइड करें, प्रेफरेबली एक HNA ऑटो जोन जैसे रेप्यूटेड सेलर से ही लें, ठीक है। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे हम अपने नॉर्मल बल्ब को फिट करते हैं वैसे ही है। ये जो है बस आपको ये पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट जो है अनस्क्रू करके निकालना है। मैं आपको इंस्टॉलेशन इसकी। सो दोस्तों अभी हम इस प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन देखेंगे। बहुत ही आसान है, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात दोस्तों, हेडलाइट के पीछे का एरिया, तो ये जो H4 कनेक्टर है ये हमें निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो डस्ट कैप है, यहाँ पर डस्ट कैप आपको जो ये हटवा देनी है, ठीक है, ये हम हटवा देंगे। थोड़ी सी टाइट हो सकती है, संभाल के कीजिए दोस्तों। ये डस्ट कैप हमने निकाल दी। इसके अंदर आपको जो है ये आपका बल्ब दिखेगा, तो यहाँ पर एक क्लिप होगी, तो ये क्लिप जो है आपको बस निकाल देनी है। अभी अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग होता है। सो इसमें जो है आपको इसमें दबा के निकालना होता है Etios गाड़ी के लिए, तो ये आपका पुराना वाला बल्ब निकल जाएगा। ये आपका बल्ब जो है निकल गया, इसको हम रख देते साइड। तो जो वो स्क्रू था वो हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया, और बस ये जो है नाइटा है हमारा बल्ब, हमें इसके अंदर स्क्रू इन कर देना है। देख सकते हैं नाइटा है बल्ब जो है फिक्स हो गया। उसके बाद जो है हम इसे अगेन कनेक्टर में, पहले इसके ऊपर जो है हम डस्ट कैप लगा के इसे फिट कर देंगे। सो दोस्तों अभी हो चुकी है रात पूरी तरीके से, और अभी पूरी डार्कनेस है। तो मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन किए, और ये रहे हेडलाइट्स, अब देख पा रहे हो। रिस्पॉन्स जो है बहुत ही अच्छा है इसका। ये लो बीम है, ये हाई बीम है, और ये अपर डिपर है जो कि बहुत ही ब्राइट है। और एक अच्छी चीज़ लगी वो LED होने की वजह से बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स है अपर डिपर का। सो ओवरऑल भाई बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी, और ये सारी गाड़ियों में लग जाएगा। अगेन कुछ भी मुझे इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और एक जो लाइट का स्प्रेड है वो भी मुझे हैलोजन लाइट से कहीं ज़्यादा अच्छा। तो दोस्तों ये रहा फ्रंट से व्यू। लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और
इस कार को भी सूट कर रहा है, कार भी थोड़ी मॉडर्न लग रही है। और दूसरी बात, मैं लाइट्स के सामने खड़ा हूँ, मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट भी नहीं हो रहा है, तो सामने वालों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, तो ज़्यादा कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। और जो हीट है, हीट ज़रा भी नहीं फेंक रही है, हैलोजन से जो हीट है इसकी काफ़ी लो है। और ओवरऑल भाई मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। दोस्तों अपने प्रोडक्ट की ब्राइटनेस देखी, बहुत ही ब्राइट नाइट हो चुकी है, पहले इतनी डिम थी लेकिन अभी जो है ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ चुकी है। यह कोई भी कार में जो है फिट हो जाता है, इससे ना ही बैटरी पे कोई लोड पड़ेगा, ना कोई वायर कटिंग की प्रॉब्लम है, सो वारंटी की भी कोई इशू नहीं आएगी। और बस जो है थोड़ा डस्ट कैप की फिटिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन वो जो है वो हो जाता है। और दोस्तों डस्ट कैप वगैरह कट ना करें, डस्ट कैप के साथ ही फिट करें, क्योंकि दोस्तों जो डस्ट कैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है अंदर हेडलाइट के अंदर डस्ट ना जाना, उसका रोल होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्रोडक्ट डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा H&A ऑटो जोन की तरफ से, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप उन्हें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उन्हें व्हाट्सएप से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।